नमस्कार, आपको स्वागत करता हूँ मैं फिर से डॉक्टर के जे यूट्यूब चैनल में। मैडम बाकी सब्जेक्ट्स कवर कर रही हैं और आप जानते हैं कि मैं मैथ की क्लासेस ले रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने जो टॉपिक लिया था वो ल स प और म स प पर बेस्ड था। इसकी थ्योरी को, इसके दोनों मेथड्स को, कौन कौन से मेथड में देखा था, फैक्टर मेथड देखा था और हमने डिवीजन, रिपीटेड डिवीजन मेथड भी देखा था। और इन दोनों मेथड से हमने ल स प और म स प को, यानी एलसीएम को और एससीएफ को निकालने का मेथड समझा। उन्हीं मेथड्स को अब हम अप्लाई करेंगे यूपी टेट के लिए बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चंस को, जो कि एलसीएम और एससीएफ टॉपिक से आते हैं। और मेरा विश्वास है कि जब आप इस लेक्चर को देख लेंगे तो आपको ल स प और म स प निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कम समय में फास्ट मेथड से आप सही आंसर निकाल पाएंगे, सही सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ चुनिंदा प्रश्नों को मैं लेकर चलूँगा जो कि आपको एक वैरायटी के का कंसेप्ट देंगे और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है वो है, कहता है वो सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है जिससे 38, 45, 52 से भाग देने पर 2, 3 और 4 शेषफल बचता है। यानी कि डिविजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, शेषफल बचना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आपको नंबर दिया हुआ है 38, 45 और 52, इन सबसे भाग देने पर 2, 3 और 4 बचना चाहिए। यानी कि अगर हम 38 में से पहले से ही 2 माइनस कर दें, इसमें से 3 माइनस कर दें, इसमें से 4 माइनस कर दें, तो ये जो नंबर्स आएंगे, यानी कि पहला नंबर आएगा 36, दूसरा नंबर आएगा 42 और तीसरा नंबर आएगा 48। ये जो 3 नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन तीनों का हमें अब निकालना पड़ेगा। वह सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जिससे इनसे डिवाइड करने पर ये क्रमशः 2, 3 और 4 का शेषफल दे। क्योंकि हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमें इनका म स निकालना पड़ेगा, यानी कि एस सी एफ निकालना पड़ेगा। एस एम निकालने के लिए किसका एस एम निकालेंगे, फिर से मैं बता दूं, एस एम आपको निकालना पड़ेगा 36, 42 और 48 का। क्योंकि अगर इनसे डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि 38 से डिवाइड करने पर 2 नंबर बच जाएगा, 45 से डिवाइड करने पर 3 बच जाएगा, 52 से डिवाइड करने पर 4 बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, जब भी शेषफल की बात करे, इतना बचना चाहिए ऐसा कहे, उसका मतलब ये हुआ कि आपको दिए हुए नंबर्स में से उनको माइनस करके जो नंबर मिलेगा उनका आपको मसप पर निकालना है, क्योंकि आपको सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो अब क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो गया है, क्योंकि अब हमें जो करना है वो 36, 42 और 48 का मैंने बताया था, आपको फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। आइए इसका फैक्टर मेथड से डिवीजन मेथड से निकालें। चलिए, अगर डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो पहले आपको इस पेयर का निकालना पड़ेगा, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको इस नंबर के साथ आप पेयर करेंगे। तो 36 42 ट्रिक करता है कि 36 से 42 को डिवाइड करेंगे आप, जाहिर सी बात है कि एक बार जाएगा। रिमाइंडर जो आपका बचता है उसको आप, मैंने बताया था कि इसको आप लेफ्ट में लिखेंगे और जो पिछला छोटा नंबर था उसको आप राइट में लिखेंगे, ठीक है। फिर आप 6 से 36 को डिवाइड करेंगे, ये पूरी तरह से रिविजिबल है, तो रिमाइंडर आपका आएगा 0 और पिछले छोटे नंबर यानी 6 को आप लिखेंगे राइट में, यानी यहाँ पर। चूँकि यहाँ 0 आ गया, इसका मतलब कि ये है 36 और 42 का म स, यानी कि 6। अब 6 को कंबाइन करेंगे 48 के साथ। इसी मेथड को मैं फिर से आप लगाऊंगा, 6 लिखेंगे लेफ्ट में, छोटा है इसलिए, राइट में लिखेंगे 48 को। छोटे वाले नंबर से बड़े वाले को डिवाइड करेंगे, लकली आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा और रिमाइंडर आपको मिलेगा 0, शेषफल आएगा 0। छोटे वाले नंबर को आप आराम से यहाँ लिखेंगे, चूँकि ये 0 आ गया है तो ये जो आपका राइट में जो नंबर लिखा हुआ है वही मसा होगा। किसका मसा होगा, इन तीनों नंबर्स का। तो
तो हमारा जो रिजल्ट आया मसा पर आया वो आया 6, यानी कि हमारे इस प्रश्न का जो फाइनल आंसर आया वो आया 6, यानी कि 6 वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे अगर मैं 38, 45 और 52 को भाग दूं तो ये 2, 3 या 4 रिमाइंडर देगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि इससे आपको दो चीज़ें सीखने को मिली होंगी, एक तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका समझ में आया होगा, दूसरा डिवीजन मेथड से आप आसानी से म स प कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर थे तो हमको पेयर वाइज करना पड़ा। इस मेथड को पिछले क्लास में भी मैंने अच्छे से समझाया था, तो इसको आप रिपीट कर सकते हैं, दोबारा वीडियो देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन लूँगा जो कि आपको दूसरे तरह के प्रॉब्लम का एक काफ़ी अच्छा व्यू देगा। स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है वो कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है। मैं जरा स्क्रीन को डाउन करके आपको दिखाना चाहूँगा। दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है 7168, 7168। ध्यान दीजिएगा, संख्याएं नहीं दी गई हैं, संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि संख्याओं को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें यह नंबर मिलेगा। और अगला इन्फॉर्मेशन जो हमें दिया हुआ है वो इन दोनों का म स प दिया हुआ है जो कि 16 है। ठीक है, संख्या हमें नहीं पता है, संख्या ही हमें निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इसको करने का बहुत आसान मेथड मैं आपको बताऊंगा। कभी कभी गुणनफल दिया होता है, कभी कभी भागफल भी दिया होता है, कभी कभी संख्याएं दी होती हैं, लस दिया होता है, मस निकालना होता है, या मस दिया होता है उनका लस निकालना है। तो एक बहुत फंडामेंटल थ्योरम है, एक रिलेशनशिप है। मान लीजिए अगर हमारा पहला नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी, इनका लसप है एल और मसप मान लीजिए इनका है एच, एलसीएम एल और एचसीएम एच है। तो इन चारों में एक बहुत ही पॉपुलर रिलेशनशिप होता है, वो ये होता है कि ए और बी को है संख्याओं को अगर हम मल्टीप्लाई करें, उनके लसप और मसों को मल्टीप्लाई करें, अलग अलग मल्टीप्लाई करें, तो दोनों की वैल्यू बराबर होती है। ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि आपको बहुत काम आएगा लसप और मसप से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने में, यानी संख्याओं का गुणनफल उनके लसप और मसप गुणनफल के बराबर होता है। तो जो इस तरह के प्रश्न होंगे जहाँ पर हमें या तो गुणनफल दिया हो या संख्याएं दी हों, साथ में उनका लसप या मसप ऐसे में से कोई एक संख्या दिया हो, कोई एक वैल्यू हमें पता हो, तो दूसरी वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको लसप दिया होता है, मसद दिया होता है और एक संख्या दी होती है, दूसरी संख्या आप निकाल सकते हैं, यानी चार में से कोई 3 वैल्यू दिया हो चौथा आप निकाल सकते हैं। यह प्रश्न उसी कड़ी में एक स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको संख्याएं ना दे करके संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो इसका बहुत आसान ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। संख्या आप जो मानेंगे ए और बी नहीं एज्यूम करेंगे, आप जैसे कि जानते हैं कि जो मास होता है, मास जो है वो कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि अगर मास 16 है तो 16 से ए भी डिविजिबल होगा और बी भी डिविजिबल होगा। तो अगर हम पहला संख्या 16 ए मान लें और दूसरा संख्या 16 बी मान लें तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मैथमेटिक्स के हिसाब से, क्योंकि ये भी 16 से डिविजिबल होगा और ये भी 16 से डिविजिबल होगा। तो हमारे पास जो दो नंबर आ गए वो 16 ए, पहला नंबर 16 ए आ गया और दूसरा नंबर हमारा 16 बी आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि इन दोनों संख्याओं का यानी 16 ए का और 16 बी का जो गुणनफल है वो 7168 है। ठीक है, 7168 दिया हुआ है। तो अब इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो उसको आप कह सकते हैं कि 16 और 16 का गुणा करके राइट साइड में भेज देंगे तो 7168 को भाग देना पड़ेगा 16 × 16 से, जो कि आप जानते हैं कि 256 होता है। ठीक है, तो 7168 से में भाग देंगे 256 से, और जब यह भाग देंगे आप तो
कितना आएगा? 256 से जब आप भाग देंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, आइए भाग देते हैं, 256 से भाग देंगे आप 7168 में। अब भाग देने का तो कोई शॉर्टकट है नहीं मेरे पास, तो आपको भाग देना ही पड़ेगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो दो बार जाएगा, और 6 दूनी 12 के 2, 5 दूनी 10, 11 के 1, 2 दूनी 4 1, 5, 512 आया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 1। यहाँ आपने 8 को कॉपी कर लिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 8 बार जाएगा, 8 बार जब जाएगा तो 1048 आएगा, और आपके पास जो वैल्यू आएगी, जो जो इसका रिजल्ट आएगा, वो आएगा 28। यानी कि ए और बी जो हमने दो संख्याएं ली हैं, जो हमने एज्यूम किया था, उनका मल्टीप्लिकेशन 28 आया। तो क्या पता चला हमें? हमें ये पता चलता है कि ए और बी का गुणनफल 28 आ गया। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? सिर्फ एक ही काम करना है कि ऐसे दो संख्या लेनी है, ठीक है, जिनका गुणा करने पर 28 आता है। कोई भी दो पेयर आप लीजिए, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास बहुत कम पेयर आएंगे, 4 आएगा और 7 आएगा, दूसरा पेयर 28 आएगा और 1 आएगा, तीसरा पेयर आप क्या ले सकते हैं, 2 आएगा और 14 आएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई पेयर बनता है? नहीं बनता है। ठीक है, अब चूंकि ये MCQ में आएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको इन तीनों में से कोई एक पेयर जरूर दिया होगा, वही इसका आंसर होगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा पेयर जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 28 नहीं आ रहा है, तो वह उसका आंसर कभी नहीं हो सकता है। तो यानी कि इसके तीन आंसर हो सकते हैं, या तो 4 और 7 आंसर हो सकता है, 28 और 1 आंसर हो सकता है, 2 और 14 आंसर हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जा चुका है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज करना चाहूँगा। पहले हम लोगों ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, यह फॉर्मूला है a(b)=l(h), यानी कि प्रथम संख्या द्वितीय संख्या बराबर लसपा गुणे मसपा। ठीक है, ट्रिक इसमें यह है कि हमें मसपा दिया हुआ है 16। रूल क्या होता है कि मसपा कॉमन होगा, पहली संख्या में भी होगा और दूसरी संख्या में भी होगा। तो अगर हम पहली संख्या को 16a लिख दें, a की बजाय 16a मान लें, और दूसरी संख्या को b की बजाय 16b मान लें, तो इन दोनों का गुणनफल जो है होगा 7168 आएगा। अब 16 को 16 से मल्टीप्लाई करके जब भाग दे देंगे, इधर राइट साइड में ले आएंगे, तो 7168 को भाग देंगे तो आपको मिलेगा 28। 28 का मतलब होता है कि ए और बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 28। यानी कि 28 के जो पॉसिबल पेयर होंगे 4, 7, 28, 1 और 2, 14, इनमें से कोई एक पेयर आपको आंसर में जरूर दिया होगा और वही इसका फाइनल आंसर होगा। तो जवाब क्या आया कि वो दो संख्या आपको कौन मिलेगी? मान लीजिए आपने पेयर लिया 4 और 7 सपोज, तो संख्या आपकी क्या बनेगी? संख्या बनेगी आपका 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से यानी कि 64, और 7 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 ही आएगा ना, अगर 16 को मल्टीप्लाई करें मैं आप 7 से, सॉरी 112 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 64 और 102, ये वो दो संख्याएं हैं जो हमें निकालना था। आइए तीसरे कैटेगरी का क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? न्यूनतम का मतलब होता है छोटी से छोटी, और उस संख्या में आपको 18 से 24 से 30 से और 42 से भाग देना है। यानी कि आपको भाग देना है, डिवाइड करना है 18 से 24 से 30 से और 42 से, इन चारों से भाग देना है। भाग देने पर हर बार एक शेषफल आना चाहिए, हर बार रिमाइंडर आना चाहिए जो कि 1 है। ध्यान दीजिएगा, डिविजिबिलिटी नहीं चाहिए हमको, हमको हर बार रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 1। अलग अलग रिमाइंडर वाला सवाल अलग होता है। अगर अलग अलग रिमाइंडर चाहिए होता है तो हम क्या करते थे, इंडिविजुअल के नंबर से माइनस करते थे उसके रिमाइंडर को, यानी कि
18 से रिमाइंडर उसका माइनस करेंगे, 24 से माइनस करेंगे, 30 से माइनस करेंगे, 42 से माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर सबका सेम आ रहा है, तो काम हमारा आसान हो गया। क्या आसान हो गया? हमें इन सब में से माइनस वन करना है, यहाँ से भी माइनस वन करना है, यहाँ से भी माइनस वन करना है, यहाँ से भी करना है, यहाँ से भी। जब माइनस वन करेंगे तो आपको मिलेगा 17, दूसरा नंबर मिलेगा 23, तीसरा मिलेगा 29 और चौथा नंबर मिलेगा 43, सॉरी 41। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इन सब में से आपने वन माइनस किया तो आपको वह संख्या नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। ये मिस्टेक अक्सर बच्चे करते हैं, अक्सर लोग करते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपको डिवाइड इन सब से करना है और एक रिमाइंडर आना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पर ये वाला मेथड हम नहीं लगा पाएंगे, ये वाला मेथड कन्फ्यूज कर देगा, ये वाला मेथड आपको रिमाइंडर नहीं देगा। तो करेंगे क्या? करने के लिए 18, 24, 30 और 42 का हम ल सपर निकालेंगे। ल सपर क्यों निकालेंगे? एलसीएम क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए, और जो भी संख्या आएगी वो इन चारों से डिविजिबल होगी। अगर उस संख्या में हम एक बढ़ा दें, ठीक है, तो जब भी हम 18 से 24 से 30 से या 42 से डिवाइड करेंगे, आपको हमेशा एक रिमाइंडर एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि आप करेंगे क्या? अब हमें करना है 18, 24, 30 और 42 का लसपर निकालना है, और उस लसपर में 1 को ऐड कर देना है। यानी कि जो माइनस वाला मेथड है वो इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आइए निकालते हैं, 18, 24, 30, 42, इन चारों नंबर्स का हमें लॉस निकालना है। बड़े आराम से निकाल सकते हैं, हमारे पास एक बहुत आसान मेथड है, डिवीजन मेथड। चूंकि नंबर्स बड़े भी नहीं हैं तो बहुत तेज़ी से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड के बजाय हम डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट प्राइम नंबर लेंगे, 2, 2 से डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड हो जाएगा तो ठीक है, नहीं डिवाइड होगा तो छोड़ देंगे। पहला 9 देगा, दूसरा 12 देगा, तीसरा आपको 15 देगा, और ये देगा आपको कितना देगा? 21, यानी कि 2 और 1। फिर वही काम करेंगे, इसमें से एक नंबर अभी भी 2 से डिविजिबल है तो हम 2 को फिर से लेंगे, बाकी तो नहीं होंगे लेकिन ये डिविजिबल हो जाएगा तो आएगा 6, ये 15 का 15 ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा 21। फिर अब क्या करेंगे? 2 से कोई भी नहीं हो सकता, हो सकता है 6 हो सकता है, फिर से हमें 2 लेना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? 2 से कोई नहीं होगा तो अगला अभाज्य संख्या लेंगे, 3। ध्यान दीजिएगा, केवल अभाज्य संख्याओं से ही आप डिविजिबिलिटी करेंगे। ये 3 बार जाएगा, 3 3 9, ये 1 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा और ये 7 बार जाएगा। ये काम फिर से करेंगे, एक आने का मतलब ये हुआ कि इस नंबर का काम पूरा हो गया। एक नंबर अभी भी 3 है तो 3 हम फिर से लेंगे, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5 रहेगा, यहाँ पर 7 रहेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। अब अगला नंबर, जैसा आप देख सकते हैं कि 5 लेंगे और उसके बाद 7 की बारी आएगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो नंबर्स आपने लिए हैं, 2 2 2, तो उसको आप अलग से लिखिए, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7। ये जो आंसर आएगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, प्लस वन करना पड़ेगा। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 पूरे 35 हो गया, या उल्टा करें, 2 दूना 4 दूना 8, 8 24, 24 72, ठीक है, तो 72 हो गया और 7 पूरे 35 हो गया। 72 और 35 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा, 5 दूना 10 हो गया, 7 पूरे 35 1 36, जैसा कि आप जानते हैं, 3 दूना 6 हो गया और 7 3 21 हो गया। सबको आप ऐड कर देंगे तो आपको आएगा 6 6 6 12, 3 और 4 1 5, 2 5 2 0, 2 5 2 0 आया, थोड़ा सा मिक्स हो गया है, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर। अब इसमें आप प्लस वन कर देंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा 2 5 2 1, ये वो संख्या है, ध्यान दीजिएगा, ये वो नंबर है जो कि आपका फाइनल आंसर है। यानी इस संख्या को अगर हम इन चारों नंबर से डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 1। 1 क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने 1 को जानबूझकर ऐड कर दिया है।
ऐड नहीं करते तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आता। इसका मतलब अगर आप, आपसे ये कहा जाता कि डिविजिबल होना चाहिए तो हमारा आंसर होता 2520, लेकिन अगर रिमाइंडर एक आना चाहिए तो हमारा आंसर हो गया 2521। तो इस क्वेश्चन से आपने दो चीज़ें सीखी, एक तो लसअपान निकालना और दूसरा डिविजिबिलिटी करने के बाद, यानी लसअपान निकालने के बाद अगर रिमाइंडर बचने वाली बात आती है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपने यहाँ पर सीखा। आइए अब अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है वह है, सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है जिसको 52, 78 और 117 से भाग देना है। तो हर बार, पहली बार रिमाइंडर 33 आना चाहिए, दूसरी बार रिमाइंडर 59 आना चाहिए और तीसरी बार रिमाइंडर 98 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि 52, 78 और 117 से भाग देने पर अलग अलग रिमाइंडर आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आ चुका है, बहुत इसमें ट्रिक है जो कि आपको पता रहना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को बड़े आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें से मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूं, 52 में से 33 माइनस कीजिए तो 19 आएगा, यहाँ भी माइनस कीजिए इन दोनों को तो ये भी 19 आ रहा है, यहाँ भी माइनस कीजिए इन दोनों को तो यहाँ भी 19 आएगा। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, ये जो सेम डिफरेंस आ रहा है ये इस क्वेश्चन को टफ बनाता था, लेकिन चूंकि अब सेम आ रहा है तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तीनों ही सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 52, 78 और 117 का एलसीएम निकाल लेते किसी तरह से, ठीक है, तो इसका मतलब इन तीनों से ये नंबर डिविजिबल होगा। तो अगर इस एलसीएम में से हम 19 माइनस कर दें तो हमें वह संख्या मिल जाएगी जो कि इन तीनों से डिवाइड करने पर 33, 59 और 98 रिमाइंडर देगा। ध्यान रखिएगा, चूंकि ये सेम आ रहा है इसलिए मेथड हम लगाएंगे, अदरवाइज ये मेथड नहीं लगा सकते। ट्रिक क्या कहता है कि जो सेम रिमाइंडर आ रहा है, सेम भाग शेषफल आ रहा है, उस वह शेषफल आपका फाइनल आंसर में से भी आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, हमें लसअपान निकालना है 52, 78 और 117 का। तो डिविजन मेथड से ही यहाँ पर लसअपान निकालेंगे 52, 78 और 117 का। तो आइए निकालते हैं इसका लसअपान। तो पहले 52, 78 और 117, देखने में ये नंबर्स बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये नंबर अगर आप पहाड़ा अच्छे से आता है ना तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो पहाड़ा आता है तो आप किसी और नंबर से भी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन नियम कहता है कि आप हमेशा 2 से स्टार्ट करें। अगर 2 से भाग दे पा रहे हैं तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, ये नंबर हमको दे देगा 2 दूना 4 यानी कि 4 और 26, और यहाँ आएगा 3 और 9 39, ये तो हो ही नहीं पाएगा तो उसको वैसे ही आप कॉपी कर देंगे। अगला नंबर आप लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 13 आएगा, ठीक है, और 39 तो हो नहीं सकता तो 117 आएगा। आपको दिख रहा होगा कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होने के चांस अभी भी है, तो ये 13 या 39 3 आ गया, मतलब 3 बार 3 से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी 117 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 3 9, एक्चुअली डिविजिबिलिटी कैसे आप अनुमान लगा सकते हैं इसका भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि कभी कभी डिविजिबिलिटी पर भी क्वेश्चंस आते हैं यूपीटेट में। तो ये आपको 3 और ये आ जाएगा 39, 9 बार जाएगा। फिर आप उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, आप सीधे आप सॉरी अभी भी 3 से चांस है, सीधे मत लीजिए, 3 से अभी भी चांस है, तो 13 13, और ये भी आपका आ गया 13। आप तो कोई बात ही नहीं बची, सीधे हम 13 बजाएंगे और 111, यानी कि जो हमारा नंबर्स मिले हैं, ये नंबर आप उसको अलग से लिख लीजिए यहाँ पर, 2 × 2 × 3 × 3 × 13, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 13 × 39 होता है, ये आपको 39 मिल गया, देखिए 39 मिल गया, 3 × 6 × 12। अब 12 और 39 को फटाक से आप नीचे कहीं साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये थोड़ा सा इधर से और इधर से करने से आपको 2 नंबर मिल जाते हैं, और 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना आसान होता है। ये
कम समय में करने का मेथड है। तो 9 दुनिया 18, 3 दुना 6 7 78 आ गया, और चूँकि 1 से करेंगे तो 39 ही आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 9 7 16 6 3 1 4 468, यानी कि 468 आपको मिला। ये क्या मिला? ये इन तीनों का लसअपर मिला। और लेकिन हमें रिमाइंडर चाहिए, आपने देखा था ना कि जो भी आंसर आएगा उसमें से हमको 19 को माइनस करना पड़ेगा। जब 19 को आप इसमें से माइनस करेंगे वहाँ 468 से, तो आपको मिलेगा 18 में से 9 जाएगा तो 9 आएगा, यहाँ जाएगा 5, 5 में गया 4, यहाँ बच गया 3, 349, 349। ये जो फाइनल वैल्यू आपको मिली है ये वो संख्या है जो कि 5278 और 117 से भाग देंगे तो 33, 59 और 98 शेष फल आएगा। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं तो आपको आंसर 349 मिला। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है तो इस ट्रिक को आप हमेशा याद रखें और अप्लाई करें प्रश्नों को सॉल्व करने में। देखिए पांचवा क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन तो ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, लेकिन हर एक क्वेश्चन खुद में आपको काफ़ी वैरायटी देगा, दे रहा है, और एक क्वेश्चन से आप 4 नए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार आ चुका है, इसमें रेशियो भी है, लसअप और मसअप भी है, ध्यान दीजिएगा। तो ये रेशियो और प्रोपोर्शनल के टॉपिक का भी क्वेश्चन बन जाता है और लसअप और मसअप का भी बन जाता है, तो ये भी काफ़ी आने वाले क्वेश्चंस में काउंट होता है। देखिए इस तरह के कोई क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको तरीका बता दूं कि आपको ये रेशियो दिया हुआ है 5 और 6 का, और आपको लसअप दिया हुआ है 120, निकालना है आपको मसअप। जब भी लसअप और मसअप दोनों एक ही क्वेश्चंस में आए तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ वाला फार्मूला लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें नंबर्स नहीं दिए हैं लेकिन नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, और आप जानते हैं कि जो नंबर्स हैं उनका हमको लस दिया हुआ है 120, ठीक है। यहाँ पर ट्रिक क्या है, आप चूंकि देखिए 4 में से 3 वैल्यू दी होती है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ 4 में से 2 ही वैल्यू दी है और बाकी 2 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ट्रिक क्या यहाँ पर है, ट्रिक यह है कि जो संख्याओं का मसअप होता है, मसअप दोनों संख्याओं का यानी ए का भी और बी का भी कॉमन मल्टीपल होगा, यानी कि अगर मसअप हम लोग मान लें कि ये एक्स है, ठीक है, तो जो पहली संख्या होगी, जो पहली संख्या होगी वह एक्स उसके फैक्टर में जरूर आएगा, यानी कि 5 तो आएगा ही एक्स भी आएगा, और जो दूसरी संख्या होगी उसके फैक्टर में 6 तो आएगा ही और x भी आएगा। ध्यान से आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली संख्या हमने 5x मान ली और दूसरी संख्या 6x मान ली, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन में तो आपने देखा है कि हम लोग रेशियो जब भी दिया होता है तो नंबर्स को हम लोग 5x और 6x मान सकते हैं। ये जो x है इसकी क्या खासियत है, ये x इन नंबर्स का मसअप भी होगा क्योंकि ये वो नंबर जो कॉमन है। अब हमारे पास दोनों नंबर भी आ गए, मसअप भी आ गया एक्स के फॉर्मेट में, तो अगर हम इस फार्मूले को यहाँ लगाना चाहें तो आप देख सकते हैं 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 6x से, प्लस हमारा दिया हुआ है 120, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से। अब चारों तरफ एंड दोनों तरफ एंड लेफ्ट साइड और राइट साइड में x ही दिया हुआ है, तो एक x हमारा इस x से कट जाएगा बड़े आराम से, यहाँ आ जाएगा 30 × x बराबर 120, यानी कि अगर x निकालना चाहें तो सीधे हमारा आ जाएगा 4। ये जो x आया है ये हमारा क्या आएगा, बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि हमारा मसअप आ गया। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ट्रिकी है, लेकिन अगर ये ट्रिक आप दिमाग में बना कर रखें तो बहुत कम समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगा, जब भी रेशियो दिया जाए तो हमेशा एक कॉमन नंबर ले करके रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो कॉमन नंबर दोनों में आएगा, दोनों के फैक्टर में आएगा, दोनों का ही मल्टीपल होगा। अब चूंकि मसअप की बात हो रही है तो जो मल्टीपल होगा जो हमने एक्स यहाँ पर एज्यूम किया है वो मसअप भी होगा, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका लसअप
गुड़े मां सर, इसमें हमने अप्लाई किया और फाइनल जो हमारा आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 4। तो 4 हमारा कॉमन नंबर हो गया। तो आंसर क्या मिला, संख्याओं का अनुपात अगर दिया हुआ है, लस दिया हुआ है, तो आप वहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते हैं जो कि आपका फाइनल आंसर 4 है। तो उम्मीद करूँगा कि आज जो मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, काफ़ी थारोली डिस्कस करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, जिससे आप इन 5 क्वेश्चन अगले 50 क्वेश्चन आराम से कर सकेंगे। अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन को लेकर मैं आऊँगा जो कि यूपी टेट के किसी न किसी पेपर से ज़रूर होगा, और वो आपके कंसेप्ट को और मजबूती देगा। एलसीएम एचसीएफ में टाइम ज़्यादा इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कई अन्य छोटे छोटे टॉपिक्स को कंसीडर करता है, जैसे डिविजिबिलिटी इसमें आती है, अभाज्य संख्याओं के बारे में आता है, डिवाइड करना आता है, फैक्टर निकालना आता है, रेशियो प्रोपोर्शन भी आपने यहाँ पर देख लिया। तो ये एक टॉपिक कई दूसरे अन्य टॉपिक्स को भी कंसीडर करता है। तो आपको ये सिर्फ एलसीएम एचसीएफ में मदद नहीं करेगा बल्कि उन रिलेटेड टॉपिक्स में भी आपकी हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले क्लास में मैं मिलूँगा कुछ और कंसेप्ट के साथ, कुछ और प्रश्नों के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे मेरे वीडियोज़ के बारे में। धन्यवाद।